जेईई और नीट की परीक्षाएं करवाने के खिलाफ कांग्रेसियों का धरना प्रदर्शन। मिर्जा अशफाक सकलैनी के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने गांधी प्रतिमा पर धरना प्रदर्शन किया। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी से अमित सिंह का प्रत्याशी हूँ। जिस तरह से आप जानते हैं ये नीट और जेईई का जो एग्ज़ाम है ये होने जा रहा है, हमारी केंद्र सरकार के अधीन ये परीक्षा होती है। अभी बीच में गत दिनों बीएड की परीक्षा कराई गई थी जिसमें लगभग 4,500 छात्र छात्राएँ उसमें बैठे थे उत्तर प्रदेश में। उसके बाद परीक्षा के जस्ट दूसरे दिन ही कानपुर से ही सिर्फ खबर थी कि कानपुर में जो बच्चे परीक्षा देने के लिए गए तो करीब 80 बच्चों को जो है कोरोना पॉजिटिव आया। तो इसलिए हमारी कांग्रेस पार्टी ने ये मांग की है कि इस परीक्षा को या तो इसे थोड़ा सा समय के लिए स्थगित किया जाए, और स्थगित नहीं किया जा सकता है तो इन परीक्षाओं को ऑनलाइन कराया जाए जिससे कि छात्रों का बच्चों का भविष्य भी जो है ख़राब ना हो और साथ साथ परीक्षा भी उनकी हो जाए जैसे मेडिकल में और इंजीनियरिंग में दाखिले भी हो जाए। तो हम ये मांग करते हैं कि या तो इसे आगे बढ़ाया जाए या ऑनलाइन इसे कराएँ। इस चीज़ को लेकर जो है आज हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन दिया जा रहा है, महामहिम के लिए ये ज्ञापन दिया जा रहा है। और हम ये मांग करते हैं कि हम ये नहीं चाहते कि इसे ख़त्म करो परीक्षा, क्योंकि कैरियर का सवाल है, गलत है, लेकिन इसको ऑनलाइन करा लें तो इसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसलिए मैं सरकार से ये मांग करूँगा कि इसको ऑनलाइन परीक्षा कराने की व्यवस्था दें। देखिए, जहाँ लॉकडाउन के समय में, कोरोना की इस महामारी आपदा के समय में, कोविड-19 की इस बीमारी के चलते तमाम होटल, तमाम सुविधाएं नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में आज शिक्षा मंत्री भारत की सरकार ने बच्चों की परीक्षाओं के लिए तिथि घोषित कर दी। हमारी तमाम अभिभावकों से भी बात हुई, छात्रों की बात हुई, छात्र अभिभावक चाहते हैं कि ये परीक्षा को टाला जाए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय में तमाम छात्राओं की तैयारी पूर्ण तरीके से नहीं, क्योंकि कोविड-19 के चलते छात्र जिस तरीके की अपनी तैयारी कर सकते थे नहीं हो पाई, क्योंकि भारत की सरकार ने इतनी सुविधा नहीं दे पाई जो कि छात्र तैयारी कर सकते। और ऐसी स्थिति में कि नीट की परीक्षाओं की तिथि घोषित कर देना एक छात्रों के साथ धोखा है, अभिभावकों के साथ अन्याय है। इसी के संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय प्रियंका गांधी जी के आह्वान पर तमाम प्रदेश के जनपदों में, इसी के तहत बरेली जनपद में हमने आज यहाँ विरोध प्रदर्शन अपना जताया है। और हमारी मांग है कि इस परीक्षा को तत्काल रद्द किया जाए, और छात्रों को हित को देखते हुए जो नेक्स्ट तिथि हो जब ये कोविड-19 बीमारी से हम लोग जो जूझ रहे हैं वो खत्म हो जाए, उसके बाद नई तिथि घोषित की जाए। ये छात्रों के हित का सवाल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाह और हिटलर शाही पर आमादा, और हिटलर शाही तानाशाही में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब से पहले भी पूर्व में सरकारें नहीं, जब कोई विपक्ष की बात होती थी उस विपक्ष की बात को सुना जाता था जो देश हित में और जनता के हित में होती थी। और कांग्रेस की यूपीए की सरकार से लेकर तमाम सरकारों ने विपक्ष की बात को बुलंद करने, जो आवाज़ होती थी सच्चाई को, आवाज़ को बुलंद करने का काम हमेशा करने का काम किया था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार विपक्ष को कमजोर कर कर हिटलर शाही और तानाशाही रवैया अपना रही है। शर्म आती है कि आज विपक्ष को कमजोर कर कर भारत की सरकार, मोदी की सरकार किस तरीके से विपक्ष के जो दर्जा होता है, विपक्ष की जो ताकत होती है, उसकी ताकत का हनन कर रही है। इसको लेकर आज हम तमाम कांग्रेस के जन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और हमारी मांग है विपक्ष की आवाज़ को भी सुनना चाहिए और इस परीक्षा को रद्द करना चाहिए, क्योंकि छात्र से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हम छात्र हित की बात कर रहे हैं, छात्र हित में इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।